हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, वो भी सिर्फ 10 रुपीस के अंदर। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 10 रुपीस में मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। गाइस, मैंने ये 10 रुपीस वाले मेकअप चैलेंजेस इतने सारे देखे चैनल्स पे, इतने सारे लोग इसको ट्राई कर रहे थे, तो आई वॉज थिंकिंग कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कि 10 रुपीज़ के अंदर कैसा मेकअप लुक क्रिएट हो सकता है। ये स्टार्ट करते हैं 10 रुपीज़ मेकअप चैलेंज। लेकिन इससे पहले ही, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा गाइज, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप कोई भी हो, 10 रुपीज़ का या 1000 रुपीज़ का, स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो मैंने यहाँ पे ये ऑक्सीवेदा का मैंने हनी मॉइस्चराइज़र लिया है। मैंने इसको अपनी नेक और फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया। सो मॉइस्चराइज़र कभी स्किप नहीं करिए गाइस, चाहे विंटर्स हो, समर हो, कोई भी सीज़न हो, मॉइस्चराइज़र इज़ कंपलसरी। ओके, मॉइस्चराइज करने के बाद मैं अपने लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी, जिसके लिए मैंने 10 रुपीज़ का वैसलीन लिया था। ओके, नाउ अभी 10 रुपीज़ में प्राइमर तो कुछ नहीं मुझे मिला, तो एज प्राइमर मैं यहाँ विटामिन ई की कैप्सूल अप्लाई कर रही हूँ। इसके अलावा आप ग्लिसरीन भी अप्लाई कर सकते हो और फ्रेश एलोवेरा भी आप यूज़ कर सकते हो गाइस। मैंने कैप्सूल के ऑयल को अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई किया और अच्छे से स्प्रेड कर लिया, सो दैट जो भी मैं बेस लगाऊँ वो एकदम फ्लॉलेस लगे। जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये सभी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ करे हैं। यहाँ हमारा प्राइमर कंप्लीट हो गया। अब कलर करेक्शन के लिए मैंने एक ऑरेंज कलर का लिपस्टिक लिया है। जितनी भी मेरी अनइवन स्किन है, डार्क सर्कल्स हैं, मैंने उस जगह पर ये ऑरेंज कलर का लिपस्टिक अप्लाई कर लिया, उसको अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे स्पिन्स की बीबी क्रीम ली है, ये भी आपको 10 रुपये में किसी भी लोकल शॉप पर मिल जाएगी। सो इसको मैंने डॉट डॉट करके अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। लेकिन मैं क्या देखती हूँ गाइस, इसमें ज़रा भी कवरेज नहीं था। जो मेरे बैक ऑफ हैंड पर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट था, मैंने उसको ब्यूटी ब्लेंडर में ही लिया और फिर मैंने इसको बिल्ड किया, तो बिल्ड करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत उसमें कवरेज मिल गया था। यानी सिंगल सिंगल लेयर में आपको उसका कोई कवरेज नहीं मिलने वाला, तो आपको उसको बिल्ड करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा कवरेज चाहिए। उतना अच्छा भी नहीं, लेकिन हाँ कवरेज मिल गया था। 10 रुपये में कंसीलर तो कहीं नहीं मिल सकता था, तो मैंने इसी बीबी क्रीम में स्पिन्स का 10 रुपीज़ वाला पाउडर मिक्स किया और उसको एज कंसीलर में इसको अप्लाई कर रही हूँ। ना कंसीलर की तरह ही मैंने इसको अपने अंडर आई पर, अपने फॉरहेड पर, टिप ऑफ द नोज़ और अपने आईलिड्स पर मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया। फिर मैंने उसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड किया और मैं क्या देखती हूँ कि इसमें ज़रा भी कवरेज नहीं आई। जी आप देख सकते हो, इसमें कुछ ऐसे खास कवरेज मुझे मिली नहीं, लेकिन जो मैंने अप्लाई किया एक्चुअली मुझे लगता है वो भी चला गया, गायब हो गया बिल्कुल। देखिए, तो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मेकअप लुक तो कम्प्लीट करना ही था ना, तो मैंने उसको बिल्ड किया फिर से और उसको फिर से ट्राई किया, लेकिन उतना अच्छा मुझे फिर से उसका कवरेज मिला नहीं। फिर मैंने उसको जितना हुआ उतना कर दिया कम्प्लीट। उसके बाद मैंने स्पिन्स पाउडर से अपने फेस को सेट किया, जहाँ जहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाया था लाइक कंसीलर, तो वो DIY कंसीलर, उस जगह पे मैंने अच्छे से अपनी आईज़ को सेट किया, सो दैट जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाए वो क्रीज ना करे। फिर मैंने अपने फेस पे से एक्सेस पाउडर को डस्ट ऑफ कर दिया ताकि पैची ना लगे। गाइस, जिस शॉप पर मैं थी वहाँ पर मुझे 10 रुपीज़ में कोई आईब्रो पेंसिल नहीं मिली, तो मैंने एक DIY हैक किया। मैंने काजल लिया, काजल में एंगल्ड ब्रश ऐसे डिप किया और उससे ही अपने आईब्रोज मैंने फिल करी, और ट्रस्ट मी बहुत ही सुंदर आईब्रोज ड्रॉ हुई थी इससे। मैंने बहुत लाइटेड हैंड से किया था, उसके बाद पुली से जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट था मैंने उसको कोम कर दिया, ब्रश कर दिया, तो आईब्रोज बहुत ही सुंदर डिफाइंड बनी थी। मेकअप स्टार्ट करने के लिए मुझे एक ट्रांजिशन शेड चाहिए था, तो उसके लिए मैंने एक लिप लाइनर लिया। दिस इज़ समथिंग मरून ब्राउनिश शेड, उससे मैंने अपनी एक क्रीज क्रिएट करी।
ट्रांजिशन शेड के लिए एक लाइट कलर चाहिए होता है, तो मेरे पास उतना लाइट शेड नहीं था, लेकिन ये भी सुंदर लग रहा था मुझे, तो मैंने इसी से अपनी आईज पर, आईलिड पर एक क्रीज क्रिएट करी। फिर मैंने इसको एक ब्रश से अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया, सो दैट जितने भी हार्श लाइन हो वो अच्छे से आपस में ब्लेंड हो जाए। उसके बाद मैंने काजल लिया, काजल अपनी आउटर वी पर मैंने उसको प्लेस किया और दोनों शेड्स को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब गाइस मेरे पास एक देखिए हैक है सिंपल सा। अब मुझे जो भी एरिया बचा है उधर मुझे ग्लिटर अप्लाई करना है, ठीक है। ग्लिटर के लिए मेरे पास ग्लिटर ग्लू नहीं है, 10 रुपीज़ में कोई ग्लिटर ग्लू नहीं मिलता, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक लिपस्टिक ली, लिपस्टिक को अपने उस एरिया पर अप्लाई कर दिया जहाँ पर मुझे ग्लिटर लगाना है। और उसके बाद मैंने अपने ब्रश पे, कोई भी टोनर आप ले लो या यू नो सेटिंग स्प्रे ले लो, उससे अपने ब्रश को थोड़ा सा वेट किया एंड देन मैंने यहाँ पे ग्लिटर अप्लाई किया। ये देखिए ये ग्लिटर भी 10 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएगा किसी भी लोकल स्टोर पर, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और ये मैंने सिल्वर कलर का ग्लिटर अप्लाई किया। उसके बाद मैंने जो रेड कलर की लिपस्टिक ली थी उसी को एक और बार ऐसे डिफाइन कर दिया, सो दैट किसी भी तरह की कोई हार्शनेस ना दिखाई दे हमारे आई मेकअप में। तो मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया एंड देखिए कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद मैंने टच एंड फ्लाई का 10 रुपीज़ वाला ही आईलाइनर लिया एंड आईलाइनर मैंने अप्लाई कर लिया। गाइस आईलाइनर वाज नॉट अच्छा, जैसे तैसे मैंने अप्लाई कर दिया लेकिन बहुत दिक्कत हुई इसको अप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली 10 रुपीज़ में अब हम उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं, है ना। अप्लाई हो गया लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत वाटरी सा है ये आईलाइनर। बारी आती है मस्कारा की। 10 रुपये में कोई मस्कारा तो ऑफ कोर्स कहीं नहीं मिलने वाला, तो मैंने क्या किया उसी आईलाइनर को अपने आईलैशेस पर लगाया और स्पूली से आईलैशेस को कर्ल कर दिया। नाउ आई मेकअप इज़ कंप्लीटेड गाइस। दोनों आईज में मैंने मेकअप अच्छे से कर लिया और मैंने आईलैशेस भी लगा लिए यहाँ पे फॉल्सेस। अब जिस तरह से मैंने ऊपर मेकअप किया है आईज़ के ऊपर, उसी तरह से मैंने लोअर लैश लाइन पर भी थोड़ा सा लिपस्टिक अप्लाई किया और ये ब्राउनिश शेड, बस मैंने नीचे ग्लिटर नहीं लगाया बिकॉज इट्स टू रिस्की, राइट। ओके नाउ कंटोरिंग। तो कंटोरिंग के लिए मैंने यहाँ पे सेम लिप लाइनर लिया है क्योंकि ये ब्राउनिश सा ही कलर है, तो इसी को मैंने अपने नोज़ पर, अपने फॉरहेड पर अप्लाई कर लिया अच्छे से। उसको फिर मैंने एक ब्रश से ऐसे ब्लेंड किया और ये गाइज इतनी सीमलेसली, इतने आराम से ब्लेंड हो रहा था, आई कांट टेल यू। देखिए इतनी इजीली, इतने अच्छे से ब्लेंड हो गया था, मुझे इसका विश्वास नहीं हुआ, बट आई वाज हैप्पी विद दैट टू। फिर उसी 10 रुपये वाले लिपस्टिक से मैंने अपने चीक्स पर ब्लश लगाया, नोज़ पर लगाया थोड़ा सा और थोड़ा सा चिन पर भी अप्लाई किया और सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया और ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था, इट वाज गुड। देन लिप लाइनर से मैंने अपने लिप्स को डिफाइन किया और उसी लिप लाइनर से अपने लिप्स को मैंने फिल भी कर दिया। ये कलर भी काफ़ी सुंदर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर रेड कलर का ही लिपस्टिक भी अप्लाई किया, उसके बाद और सुंदर लग रहा था मेकअप। ये 10 रुपीज़ के लिपस्टिक गाइस, छोटी मिनी लिपस्टिक है। उसके बाद ये गोल्डन कलर का ग्लिटर मैंने अपने चीक्स पर लगाया एज हाइलाइटर, क्योंकि 10 रुपीज़ में ऑब्वियसली हाइलाइटर भी नहीं हमें कहीं मिलने वाला, तो मैंने इसी गोल्डन कलर के हाइलाइटर ग्लिटर को थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया, बहुत आराम से टाइम लेते हुए, सो दैट इधर उधर स्प्रेड ना हो जाए। ऑफ़ कोर्स ग्लिटर है, ऐसे ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं ले सकते थे इसको, तो मैंने कम प्रोडक्ट लिया इसका और उसको अप्लाई किया, अच्छा लग रहा था। इन पर्सन इट वॉज नॉट टू गुड, आई मीन किसी पार्टी में आप इसको वियर करके नहीं जा सकते। वेल आपको कैसा लगा ये मेकअप, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।